हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज हम बात करेंगे उंगलियों की जो चटे उभर जाती हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैंगिंग नेल कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे छोटी छोटी स्किन निकलती रहती है, तो उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण होता है बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होने की वजह से। अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, जैसे वो सर्दी की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हैंड वॉश करने से भी स्किन का मॉइस्चर चला जाता है तो स्किन ड्राई हो जाती है, या आपकी आदत है उसको छोटी छोटी जो होती है उसको ऐसे ऐसे करके उतारने की, या फिर आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स यूज करते हो, या आपका जेनेटिकली इस टाइप का स्किन है कि वो बहुत ड्राई रहती है, तो उसकी वजह से हैंगिंग नेल का प्रॉब्लम देखा जाता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? सिंपल सब इसका प्रिवेंशन है कि आपको अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। इसके लिए क्यूटिकल ऑयल भी आता है मार्केट में, तो ऑयल आप ले सकते हो, या फिर नॉर्मल कोई भी अच्छा सा ऑयल, जैसे आमंड ऑयल ले लिया, बादाम का तेल ले लिया, या जैतून का तेल ले लिया। रात को सोने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। आपको हैंड वॉश बहुत ज्यादा हार्श यूज नहीं करनी कि आपकी स्किन ड्राई हो। जो बहुत ज्यादा हार्श हैंड वॉश होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। आपकी हैबिट है, होनी चाहिए कि आपको 3-4 बार मैक्सिमम साबुन से वॉश करना है, बाकी टाइम नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हो। वॉश करने के लिए डव का वाइट सोप या फिर पियर्स का ग्लिसरीन वाला सोप आप यूज कर सकते हो हैंड वॉश के लिए। और हर हैंड वॉश के बाद आपको एक मॉइस्चराइजर हमेशा लगाना है हैंड्स पे। मॉइस्चराइजर की अगर मैं बात करूं तो फिर आप पैरासॉफ्ट क्रीम लगा सकते हो, एक अच्छा सा हैंडी मॉइस्चराइजर है, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया उसके बाद आपने उसको ऐसे करके खींच लिया तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर देता है। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वहां से वो स्किन सूज जाएगी, वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले लालीपन आएगा, उसके बाद अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे पीला हो जाएगा, पस हो जाएगा। तो जब वो आप सिचुएशन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटीबायोटिक खाने के लिए देगा, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है। एंटीबायोटिक खाने में टैक्सीमो आप ले सकते हो सुबह शाम 5-7 दिन के लिए। एंटीबायोटिक क्रीम देगा लगाने के लिए, जिसमें टीबैक क्रीम लगाई जा सकती है, न्यूस्पोरिन पाउडर भी लगाया जा सकता है, ये एंटीबायोटिक पाउडर होता है। साथ में पेन किलर्स दिए जाते हैं वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है उसको कम करने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि अगर आपको हैंगिंग नेल का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ के वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।